हेलो दोस्तों दोस्तों एस्ट्रो गाइड में आपका वेलकम। दोस्तों दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है राहु का। मोस्टली जो राहु केतु और शनि को कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर कुंडली में ये ग्रह कुंडली में अच्छे बैठे हुए हों और आपको उन कुंडलियों में इनकी दशा भी आ जाए तो इनसे अच्छे ग्रह कोई भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि पापी ग्रह जो होते हैं दोस्तों, पैसा पापी ग्रह ही देते हैं। अगर आपका मन अच्छा है, आप दिल के अच्छे हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी भी बिजनेस या व्यापार नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपके पास अच्छा दिमाग होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इमोशंस में बिजनेस करेंगे तो वो आप कभी भी उनमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ही कुंडली में अगर हम राहु को देखेंगे तो पहले तो आप ये देखो कि कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है। कुंडली में हमें जैसे पता है कि 12 घर होते हैं, तो पूरी कुंडली में जो खाना नंबर 12 है वहाँ पे राहु देव का वास माना गया है। कुंडली में मीन राशि जो पड़ती है उसके पक्के घर के मालिक राहु हैं। अगर आप जब आप सोने जाते हो बेडरूम में अपने, तो जो बेडरूम का कुंडली में भाव बोला गया है वो खाना नंबर 12 ही होता है। अगर कुंडली के खाना नंबर 12 में राहु बैठा हुआ हो और आपको राहु की महादशा आ जाए, तो वो ज़िंदगी के जितने भी आपके 18-19 साल होंगे राहु के पीरियड में, वो कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। अगर आपको कुंडली में ग्रहों की दृष्टि या एस्पेक्ट्स पड़ रहे होंगे राहु के ऊपर, तो वो नेगेटिव दशा जाती है इंसान की। कोई खाना नंबर 12 में राहु अच्छे नहीं माने गए, नीच के माने गए हैं। अब कुंडली में आप पहले ये देखो कि कुंडली में राहु की युति किसके साथ है। आप सपोज करिए कि राहु चंद्रमा इकट्ठे बैठे हुए हैं तो बुध नेगेटिव होगा, राहु गुरु इकट्ठे हैं तो बुध खराब, राहु मंगल इकट्ठे हैं तो अंगारक दोष, राहु शुक्र इकट्ठे हैं तो स्त्री का ऋण लग जाता है कुंडली में, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं गृहस्थी लाइफ में, स्किन प्रॉब्लम्स, करेक्टर की बड़ी दिक्कत होती है ऐसे इंसान के अंदर। राहु बुध इकट्ठे होंगे तो ऐसा इंसान इंटेलिजेंट भी बड़ा होता है, लेकिन अगर गलत भावों में बैठे हुए हों तो जड़ बुद्धि बन जाता है इंसान। शक करने की प्रवृत्ति दिमाग में एक ही टाइम पे इतने इतने विचार चलते हैं कि आदमी पागल हो जाता है। तो बड़ी विडंबना है इन ज्योतियों की। राहु सूर्य इकट्ठे होंगे तो ग्रहण लग जाएगा, पिता पे भारी, जॉब में समस्या है, प्रमोशन नहीं होने देता। अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो आदमी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देता है। राहु शनि इकट्ठे होंगे तो प्रेत श्राप लग जाता है कुंडली में। तो राहु की इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए, जिस ग्रह के साथ भी बैठेगा उस ग्रह के फल को खराब ही करेगा दोस्तों। लेकिन फिर भी कुंडली में खाना नंबर 4 में राहु जब बैठे हुए होते हैं तो वहां पे वो धर्मी माने गए हैं। क्योंकि खाना नंबर 4 जो होता है दोस्तों वो चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा की किसी भी ग्रह से दुश्मनी नहीं होती। माता जो होती है वो किसी से दुश्मनी नहीं करती। जितना भी पापी ग्रह होंगे कुंडली में, राहु शनि केतु कोई भी पापी ग्रह होगा, जब वो माता के घर पे आएगा खाना नंबर 4 में आएगा तो वो अपना पाप छोड़ देगा। क्योंकि तो पूरी कुंडली में खाना नंबर 4 ही एक ऐसा भाव माना गया है कि कोई भी पापी ग्रह यहाँ पे जब आता है तो वो कभी भी पाप ना करने की कसम खाता है दोस्तों। क्योंकि तो माता के आगे हर एक इंसान जो होता है वो नतमस्तक ही होता है। तो ऐसे ही राहु केतु शनि भी नतमस्तक हो जाते हैं खाना नंबर 4 में आके। और राहु खाना नंबर 3 में जब होता है तो उच्च के माने गए हैं यहाँ पे। अब तीसरा हाउस जो होता है वो बुध की राशि है, मंगल का पक्का घर है। अब राहु जब थर्ड हाउस में आएंगे तो ऐसा इंसान का दिमाग जो होगा बड़ा क्लेवर दिमाग होगा इंसान का, इसकी इंट्यूशंस पावर बड़ी अच्छी होती हैं। क्योंकि तो बुध की राशि है कम्युनिकेशंस, दिमाग में राहु की लहर जब दौड़ती है तो इंसान का दिमाग बड़े से बड़ा काम राहु यहाँ से तीसरे खाने में करवा देता है इंसान से। राहु 6 में अच्छे माने गए हैं, उच्च के माने गए हैं यहाँ पे खाना नंबर 6। वैसे भी रोग ऋण शत्रुओं का होता है, तो बड़े से बड़ा शत्रु जब आपके सामने खड़ा होगा और आपका खाना नंबर 6 में राहु बैठा हुआ होगा अच्छी पोजीशन में, तो वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि तो राहु एक वैसे भी एक राहु और केतु जो है वो एक छाया ग्रह माने गए हैं, इनकी अपनी कोई
ग्रह में कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन एक छाया के रूप में ग्रह माने गए हैं। इनकी छाया पड़ती है दूसरे ग्रहों के ऊपर। ये ऑलवेज जो होते हैं राहु और केतु, हमेशा उल्टे ही चलते हैं एक घर। बाकी ग्रह जो होते हैं वो आगे चलते हैं या पीछे की ओर चलते हैं। तो पूरी कुंडली का जो भी दामा मदार होता है दोस्तों, वो खाना नंबर 6 और 12 के बीच में इंसान का रहता है। छठा घर कर्जे का और 12वां घर आपके खर्चे का है। छठे घर में केतु ने जगह संभाल रखी है, तो 12वें में राहु ने संभाल रखी है। खाना नंबर 12 वैसे भी आकाश बोला गया है। तो इन कंडीशंस को आपको देखना पड़ेगा कुंडली में। राहु जो है वो सडन खर्चे जो होते हैं इंसान के, एक्सीडेंट खर्चा, प्रॉब्लम्स इन हॉस्पिटलिटी, आपके अचानक कोई प्रॉब्लम्स आ गई, हॉस्पिटल के खर्चे शुरू हो गए, कोई आपका घर पे नुकसान होने शुरू हो गए। राहु जो है वो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होती हैं, मोबाइल्स, टीवी, फ्रिज, ये सब राहु की कैटेगरी में आती हैं। अब ये ख़राब होने लग गए तो कहीं ना कहीं ये कुंडली में आपका राहु ही स्पॉइल होगा। तो राहु को कुंडली में अगर आपने अच्छा रखना है तो राहु सिर्फ 2 ग्रहों से ही कंट्रोल में आते हैं। पहला ग्रह जो होता है वो होता है मंगल, क्योंकि राहु और मंगल में, मंगल जो है वो राहु को कंट्रोल कर लेता है। तो मंगल की एनर्जी आप अंदर आपके अच्छी होनी चाहिए। अगर मंगल राहु को देखेगा तो राहु कभी भी शरारत नहीं करेगा, लेकिन अगर राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर होगी तो आपके सभी रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको मंगल को अच्छा करना पड़ेगा। अपने अपने भाइयों से बना के रखें, दोस्तों से बना के रखें, हनुमान जी की पूजा करें। और दूसरा, राहु को अगर आपने शांत करना है तो चंद्रमा की मदद लेनी पड़ेगी। राहु की जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि जौ, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर आपको जौ बताते होंगे जलपूजा करने के लिए, तो वो राहु के जो एनर्जी होती है वो जौ में होती है दोस्तों। तो जौ में जब हम दूध डालते हैं वो चंद्रमा का होता है। और खाना नंबर 4 जो होता है वो दरिया का पानी है, हाउस ऑफ 4th मीन्स मून का घर है वो। तो राहु को हम 4th घर में शांत करते हैं, असर ख़त्म नहीं होता ग्रहों का, शांत हम कर सकते हैं दोस्तों। तो राहु को समझने के लिए आपको उनकी युतियों को भी समझना पड़ेगा, कौन से भाव में कहाँ पे राहु बैठा हुआ है, उस भाव में उस भाव के क्या फल हैं, नीच का बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है। तो ये कुंडली की अकॉर्डिंग ही हम देख सकते हैं दोस्तों। ओवरऑल मैंने छोटा सा आपको कंसेप्ट बताया कि राहु की जो युतियाँ होती हैं वो किन किन ग्रहों के साथ होकर क्या क्या फल देती हैं दोस्तों। तो आप ही अपनी कुंडली में ज़रूर देखें राहु की क्या पोजीशन है, राहु की मदद चल रही है कि नहीं चल रही है, आपको गोचर में राहु के क्या फल हैं, वर्ष फल में राहु की क्या पोजीशन आई हुई है दोस्तों। तो इन चीज़ों का आप नोट जरूर करें और राहु को हमेशा अच्छा रखें। राहु को अच्छा करने का एक ही उपाय होता है दोस्तों, कि जितने भी आपके गली में जो भी स्वेपर होते हैं या कोड़ी आश्रम होता है दोस्तों, वहाँ पे आप डोनेट करते रहें। साल में एक दो बार उनको जरूर डोनेट करें आप। झूठ, गाली, गबन, इन चीज़ों से दूर रहें। नॉन वेज ड्रिंक का परहेज रखें और जितना हो सके अपने ससुराल वालों से बना के रखें। पूरी कुंडली में राहु तभी फल खराब देगा जब आपकी जॉइंट फैमिली नहीं होगी, या जॉइंट फैमिली होते हुए भी आपके ससुराल वालों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो राहु की ये कंडीशंस होती हैं दोस्तों। आगे भी हम चर्चा इस टॉपिक पे करते रहेंगे, आगे भी बड़ी युतियाँ हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो कृपया अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये चैनल ज्योतिष के ऊपर ही आधारित है दोस्तों। तो ज्योतिष की आपको आगे आने वाली वीडियोस हम देते रहेंगे दोस्तों। ग्रह गोचर के बारे में भी हम बात करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।